मैं डॉक्टर निशी, सीनियर IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम IVF। आज हम ऐसे सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि पीरियड्स आने से पहले ही आपने कंसीव कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। ये बहुत कॉमन सिम्टम तो नहीं है, पर पेशेंट को कई बार जब भी स्पॉटिंग होती है तो पेशेंट डर जाता है और कहता है कि मुझे पीरियड शुरू हो गए। पर ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, 8, 9, 10, 12 जब भी आपका ओवुलेशन होता है तो एग जो होता है वो ट्यूब में आता है, वहाँ उसको पार्टनर का स्पर्म मिलता है, ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद वो 6 से 12 दिन के बीच में यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। जब अगर 6, 7 या 8 को आपको हल्की सी स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग होती है तो आप इससे कन्फ्यूज मत हो कि आपका पीरियड आया है। क्या होता है, जो छोटा सा आपका एम्ब्रियो होता है वो ट्यूब से जब यूट्रस में आता है तो यूट्रस में जो लाइनिंग होती है वो उनसे चिपकना चाहता है, तो उसके कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और वो यूट्रस के अंदर जाने लगते हैं। जब वो अंदर जाता है तो कुछ कैपिलरीज होती हैं जो उसको न्यूट्रिशन वगैरह दे रही होती हैं, या जो ब्लड वेसल्स पतली पतली होती हैं तो वो रैप्चर होती है। जब वो रैप्चर होती हैं तो आप देखेंगे कि कुछ स्पॉटिंग या ब्लड जो होता है वो यूट्रस से वजाइना के द्वारा आ जाता है और आप उसको ब्लीडिंग समझते हैं। तो ये कोई ब्लीडिंग नहीं है, ये केवल इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं या स्पॉटिंग को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आपका एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा जब वो कैपिलरीज को अंदर घुसता है तो कई बार क्या होता है कि उनको ब्लड को रोकने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो आपको हल्के से क्रैम्प भी फील होते हैं। तो ये एक सिम्टम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, कुछ क्रैम्पिंग सेंसेशन यानी कि माइल्ड सा आपको पेन होगा। इसके अलावा जैसे ही इम्प्लांट होता है तो आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो एकदम से डिप करेगा और इसके बाद जब इम्प्लांट हो जाएगा तो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा। ये भी एक सिम्टम है। इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।